देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। इंदौर की राऊ विधानसभा जो कि आधी शहरी एवं आधी ग्रामीण विधानसभा मानी जाती है, विधानसभा चुनाव के बाद यहां लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, किंतु अभी तक यहां के नागरिक विकास कार्य नहीं होने से खासे परेशान हैं। इस मामले में राऊ विधानसभा के रहवासी एवं किसान पुत्र अभिषेक जाट ने सत्तारूढ़ भाजपा एवं भाजपा विधायक मधु वर्मा पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक एवं उनके समर्थक सिर्फ भजन भंडारों के फोटो खींचने एवं खिंचवाने में सक्रिय है, किंतु आम जनता की परेशानियों को हल करने में उनकी कोई रुचि दिखाई नहीं देती। भीषण गर्मी के मौसम में राऊ विधानसभा की अनेक कॉलोनियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की समस्या है। जनता पानी के लिए दर दर भटकती रहती है, किंतु विधायक का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हाल ही की अल्प बारिश में कई सड़कें उखड़ चुकी है। बारिश पूर्व सड़कों के गड्ढे नहीं भरने के कारण एवं पेचवर्क नहीं होने से दुर्घटनाएं भी हो रही है। भंवरकुआ एवं राजेंद्र नगर क्षेत्र के रहवासी अवैध हॉस्टलों से परेशान है, किंतु विधायक एवं उनके समर्थक तथा पार्षदों के संरक्षण के चलते अवैध हॉस्टलों के खिलाफ व्यापक कार्यवाही नहीं हो रही है। हॉस्टल के लड़के लड़कियां सरेआम सड़कों पर अश्लील गतिविधियां करने के साथ ही नशाखोरी करते भी देखे जा सकते हैं। अवैध हॉस्टलों की शिकायत करने के बाद भी उनके निर्माण को प्रश्रय दिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों एवं स्कूलों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। वहीं यदि किसानों की बात की जाए तो राऊ विधानसभा क्षेत्र आदि ग्रामीण विधानसभा है, किंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को चुनाव के पूर्व गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 दिए जाने का सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। किसानों को मात्र 2400 रुपए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। किसान पुत्र अभिषेक जाट ने कहा कि किसानों ने भाजपा के वादों पर झोली भर भर कर वोट दिए, किंतु अब उनके साथ ही छलावा किया जा रहा है। राऊ विधानसभा क्षेत्र जो कि आदि शहरी विधानसभा है और आदि ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ पर अभी गर्मी के मौसम में भीषण जल की समस्या देखी गई है। किसानों के साथ भी यहाँ पर बड़ी समस्या देखी गई है मंडी को लेकर भी, क्या कहना चाहेंगे इसको? राऊ विधानसभा सबसे पहले तो मेरा परिवार है और मैं राऊ के अंदर मैंने काफ़ी काम भी किया और ये सभी को पता भी है कि राऊ विधानसभा के लिए मैं जीता हूँ, राऊ विधानसभा के लिए काम करने का पूरा प्रयास करता हूँ। बाकी विगत समय से जो मैं देख रहा हूँ राऊ विधानसभा के अंदर जो यहाँ के विधायक महोदय हैं वो मात्र एक भंडारे में जाने के साथ में वहाँ का फ़ोटो एक क्लिक होता है और वो पोस्ट होता है और कहीं पे जाते हैं सुबह उनके घर पे 5-25 लोगों को वो बुलाते हैं वहाँ, फिर वो एक फ़ोटो क्लिक होता है और वो पोस्ट होता है। इसके अलावा राऊ विधानसभा के अंदर जो समस्याएं हैं वो समस्या वैसी की वैसी समस्या बनी हुई है, चाहे ड्रेनेज की हो, चाहे पानी की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे रोड की हो, और चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे रोज़गार की हो, चाहे आप ऐसे ऐसी समस्याएं हैं जो राऊ विधानसभा में जो मातृशक्ति को मजबूत कर सकते हैं, चाहे 8364 योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात हो, इन्हें किसी भी योजनाओं पे राऊ विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो भूमि पूजन किए गए थे, जो उद्घाटन किए गए थे, जहां बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए थे, 130 रुपये का विकास कार्य हुआ था, 30 का नरियल 100 की गेती बताओ कहां चलानी, मैं हमेशा कहता हूं। तो ये जो विकास कार्य उस समय जो भूमि पूजन हुए थे वो आज भी वैसे के वैसे वहीं पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो पा रहा है। राऊ की जनता अब परेशान हो रही है, राऊ की जनता को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मान के चले कि उनसे एक जो उनको चुनना चाहिए, जो उन्हें चुना, जो लीडर चुनना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं मान के चलिए कि राऊ की जनता के साथ में धोखा हुआ। राऊ की जनता को ये समझ में आ चुका है कि ये जो विधायक बने हुए हैं इनके संरक्षण में भूमाफिया पनप रहे हैं, इनके संरक्षण में मान के चलिए कि खनन माफिया पनप रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि अवैध खनन में भी सबसे ज़्यादा इनके हाथ चल रहे हैं, इनके लोग उन लगे हुए हैं जो अवैध खनन पूरे राऊ विधानसभा में कर रहे हैं, जहाँ इनकी मशीनें चलती हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, अवैध तरीके से डंपर उन चल रहे हैं, अवैध तरीके से भूमाफिया का काम चल रहा है, ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और राऊ का जहाँ से ये आते हैं, ये खुद विधायक है, इनका जो क्षेत्र है भंवरकुआ क्षेत्र, वहाँ अश्लील हरकतों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, नाइट कल्चर इन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद मात्रा में चला रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं मान के चलो कि वहाँ के जो रहवासी लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में परेशान हो रहे हैं। जो नाइट कल्चर आज पूरे इंदौर शहर की तो स्थिति बिगाड़ रहा है, ये इंदौर के
नेता होने के साथ साथ में, शहरी नेता होने के साथ साथ में इनको ग्रामीण सेक्टर जो राव विधानसभा का एक पार्ट आता है उनके वहाँ के भी नेता हैं। मैं मानता हूँ कि इनको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ की पंचायतों की स्थिति आप जाके देखिए, पंचायतों में काम नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ स्कूलों की स्थिति देखिए आप, वहाँ स्कूल में काम नहीं हो पा रहे। हॉस्पिटलों की स्थिति देखिए, मैं मानता हूँ कि इन्होंने अभी तक हॉस्पिटलों के लिए भी कोई काम करना चालू नहीं करा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जनता के लिए काम करिए, ना कि चंद आपके 4-5-15 यार दोस्तों या मित्रों के लिए। बुलाराम उस्ताद मारे जो कि राव विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में अवैध हॉस्टलों की समस्या सामने आ रही है, रहवासी लगातार विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संरक्षण वहाँ अवैध हॉस्टलों को मिला हुआ? मैंने कहा ऐसे ही कि अभी के सब इनके जो साथ में हैं और इनके जो पार्षद महोदय होंगे, इनके साथ में जो जुड़े हुए लोग होंगे, इनके विधायक जी के साथ के जो और भी व्यक्ति जो बाहरी क्षेत्र में रहते हैं और वो उनसे जुड़े हुए, तो उनका इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है। और राव विधानसभा में इस तरह की घटनाएं आपको देखने के मिल रही है। भंवरपा क्षेत्र में आप देखिए तो आपको पता चल ही रहा होगा, आपको धीरे धीरे ये स्थिति दिखने लग जाएगी कि वहाँ अश्लील कामों की प्रवृत्ति कितनी तेजी से बढ़ रही है, फूल पनप रही है। अगर अभी गर्मी के मौसम की बात की जाए तो राव विधानसभा क्षेत्र में भी बड़ी भीषण जल संकट की स्थिति रही है, क्या देखते हैं विधायक का किस तरह से हस्तक्षेप रहा है इसमें? विधायक ने जल संकट के लिए कुछ भी नहीं करा। मैं मानता हूँ कि वो चाहते तो पालदा क्षेत्र में, चाहे श्रीराम नगर की अपन बात करें, वहाँ जल संकट बहुत ज़्यादा मात्रा में था। मुंडला में जल संकट की समस्या बहुत ज़्यादा थी। आपका खंडवा रोड की हम बात करें तो वहाँ पे जल समस्या काफ़ी मात्रा में थी। तो ये चाहते हैं, तो ऐसे कई एरिए हैं राव विधानसभा के जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में समस्या थी, चाहे मार्तंड नगर की इनकी बात करें, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ ये बोरिंग के माध्यम से लोगों को पानी उपलब्ध करा देते। मैं मानता हूँ इन्होंने एक बोरिंग करा के नहीं दिया किसी भी क्षेत्र में, बोरिंग ना करा पाए तो एक 5,000 की टंकी तक ये पानी की नहीं रख पाए जहाँ से लोगों को आसानी से जल उपलब्ध हो सकता। मैं मानता हूँ कि मात्र इनको विधायक बनना था, विधायक बनने के बाद में इन्होंने क्षेत्र में से ध्यान हटा दिया है। छोटे मोटे काम के विधायक के पास जाना पड़ता है, 2-3 बार जाना पड़ रहा है, उसके बाद में विधायक जी काम कर रहे हैं। आप किसान पुत्र हैं और किसानों की लड़ाई भी आप लगातार लड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र है, किसानों को किस तरह का नुकसान बीजेपी को चुनने से होगा? किसानों को नुकसान बहुत भारी मात्रा में बीजेपी से हो रहा है कि इनके नेता ने घर घर जाके, एक एक घर किसानों को जाके बोला था कि हम आपको धान का 3100 देंगे, गेहूं का 2700 देंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो किसानों ने उनको झोली भर भर के वोट दिया। बाकी आज परिस्थिति ये हुई कि किसानों के जो गेहूँ 2700 रुपये में MSP पे खरीदने की जो इनकी बात थी, चाहे वो केंद्र सरकार ने भी मध्य प्रदेश सरकार की बात को माना या नहीं माना मैं तो नहीं जानता, उन्होंने भी 2300 रुपये तक लाके MSP को छोड़ दिया। तो केंद्र सरकार भी झूठ बोल रही है। उसी केंद्र सरकार के अंदर हमारे प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, और उनके भी वचन था कि हम 2700 रुपये गेहूँ कुंटल का करेंगे, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था लाडली बहना योजना का हम लाभ देंगे, क्योंकि गाँव की महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने फॉर्म भरे थे। मैं मानता हूँ कि उनसे भी उन्होंने धोखा करा, 3000 तक की बात करती, वो भी नहीं मिला, ना किसानों को मिला। इन्होंने वादा किया था राव के उन 16 गांवों से जिनकी जमीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर ये अधिग्रहण कर रहे हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम आपको वो जमीन का आपको उचित मुआवजा दिलवाएंगे, आपकी गाइडलाइन बढ़ाएंगे, वो वादा भी इनका झूठा रहा। तो मैं मानता हूँ कि ये गाँवों में अब जाने लायक बचे नहीं है, और ये गाँव में जाते हैं तो इनको इतना मान सम्मान उचित चीज़ें मिलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल के किसानों से, गरीबों से और दलितों को बहला फुसकर लाकर वोट तो हासिल कर लिए, बाकी मैं मानता हूँ कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसे नेता की जरूरत है राव विधानसभा के अंदर जो किसानों की बात करे, किसानों की आय 2 गुना कैसे की जा सकती है उसकी बात करे। इनको मैं मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी को ये नहीं पता होगा कि 1 बीघा में गाजर कितने किलो लगती है, धनिया कितने किलो उड़ता है, आलू कितना लगता है। जब इस तरीके की चीज़ें इनको पता नहीं होगी तो ये किसानों की बात क्या करेंगे? ये चाहते हैं तो किसानों के लिए जो उनके यंत्र आते हैं उसके ऊपर 28% जो टैक्स लगता है उसको घटा के 5% करा सकते थे। इनकी सरकार है, सत्ता है, सब कुछ है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मैं मानता हूं कि ये ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसान की स्थिति दुरुस्त हो सके। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD News। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD News के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD News। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD News।